Thank you. Honourable members, the next term was for Sri Tiruchi Shivaji, but he has very kindly consented to allow Professor Ram Gopal Yadav ji to take his spot. So I'll now request Professor Ram Gopal Yadav ji for his words. Thank you. Dhanyavad Sriman. Sansadi Parampara aur jo हम लोगों की मान्यताएं हैं उसके आधार पर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन तो करता हूं, परंपरा का पालन करते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए, लेकिन मन नहीं इसके समर्थन करने का, क्योंकि पूरा अभिभाषण विरोधाभासों से भरा पड़ा है। एक पक्ष कहा गया है और उसके दूसरे पक्ष को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया। होना ये चाहिए कि ये मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया, स्वीकृत किया गया एक दस्तावेज होता है जिसको राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं, सब जानते हैं। तो जो वास्तविक स्थिति है, जो वो एक दर्पण की तरह होना चाहिए कि हम कहाँ ठीक काम कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई जिसको हम ठीक करके बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ को छुपाओगे तो वो कमियाँ बढ़ती रहेंगी और केवल हम वाहवाही में कुछ अच्छाइयों की ही बात करते रहेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं। देश का हित तो इसी में है कि सबके कल्याण के लिए प्रगतिशील जो कदम उठाए जा रहे हों वो सब तक पहुँचें, ऐसा हो नहीं रहा है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के शुरू कर रहा हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो तीसरा पॉइंट है उसमें एक जगह चौथे पॉइंट में ही कहा है, मेरी सरकार मानती है कि अतीत को याद रखना तथा उससे सीख लेना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार से, कि अतीत से कुछ सीखने का इन्होंने की कोशिश की है कि नहीं की है। सारी दुनिया जानती है कि जब जब लोगों ने अतीत में कुछ गड़बड़ किया है तो देश को उसके खामियाजा भुगतना पड़े। वो हिंदुस्तान ही नहीं, और देशों को भुगतना पड़ा, हम लोगों को भी भुगतना पड़ा। देश बट तक गया और वो विभाजनकारी नीतियों को अब इस देश में बड़े ऊपर से लेकर नीचे तक चालू करने की कोशिश कर दी गई। एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए, वहाँ केवल दंगा फसाद हो, इस तरह के बयान अगर देश के गृहमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक देंगे रोजाना, भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं, मतलब कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि देश का गृहमंत्री या किसी राज्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री इस हद तक गिरकर असंसदीय भाषा का, गाली गलौज तक का प्रयोग अखिलेश के लिए करेगा। एक अकेले अखिलेश की वजह से प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी तक का कोई ऐसा नेता नहीं जो पानी न मांग गया, भागा भागा फिर रहा है, भागा भागा। वो तो इन्होंने कमीशन के जरिए मीटिंगें खत्म करवा दी, रैलियां, वरना अभी तक इनके लोग कहीं घुस नहीं सकते थे और तब भी पिट रहे रोजाना, वीडियो देखिए, पिट रहे। तो जब गाली गलौज करोगे तो लोगों में रिएक्शन होगा, इससे ये नहीं समझते कि इससे लाभ नहीं होता है। विपक्ष का वोट यूनाइट होता है, जब अखिलेश को वोट करो, गाली देंगे, जब गुंडा कहेंगे, पूरी कौम को गुंडा कहेंगे, तो आपको वोट मिल जाएगा उसका कोई? अगर 100 वोट होंगे तो 1000 वोट डालेंगे वो दूसरों के, और उससे सीख नहीं चाहते कुछ भी। यानी पूरे देश में भाव, अब कोई अपनी नीतियों के लिए ये बात नहीं हो रही है, गालियां दी जा रही है, गुंडों की बाटी है, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री, और किस सीमा तक कैसे बात करते हैं। चित्रकूट में गृहमंत्री जी ने कहा, अखिलेश कितना ही जोर लगा लें मंदिर को नहीं रोक सकते। कौन मंदिर को रोक रहा है, कौन मंदिर को रोक रहा है? ये तो मंदिर के रुपए में चोरी कर रहे, चंदे में। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। मैं सदन के माध्यम से कहता हूं,
ये आप बताइए, इतने जिम्मेदार लोग इतने गैर जिम्मेदारा बयान करें, जिम्मेदारानी की बात कहें, तो ये अच्छा नहीं है। मैं कभी इस तरह की बात नहीं कहता हूं, लेकिन रोज सुन रहा हूं तो यहां कह रहा हूं, बाहर में ये भी नहीं कह सकता कि वहां समझदार लोग बैठे हुए हैं, सारे देश के लोग बैठे हुए हैं, हालांकि प्रधानमंत्री के साथ ज्यादातर लोग चले गए। ये मैंने से पुराण भी पढ़ा है, विष्णु पुराण भी पढ़ा है, तमाम पुराण पढ़े हैं, लेकिन मलिक साहब से आपने आज मैंने मोदी जी का पुराण भी सुन लिया और वो भी चले गए। प्रस्ताव रखने वाले, प्रस्ताव के समर्थन करने वाले को कायदे से सदन में रहना चाहिए कि उनके प्रस्ताव पे कौन आदमी बोल रहा है, क्या कह रहा है। वे दोनों एक भी नहीं है। प्रस्ताव रखने वाली हमारे जिले की है कहाँ? पहले औरैया जिला भी बना दिया बहन जी ने, बिना मांगे बना दिया, छोटा सा जिला था इटावा, टुकड़ा करके औरैया और बना दिया, और हमारे पार्टी की अध्यक्ष रही थी। चलो ये अच्छा है कि आपने राज्यसभा में बना भेज दिया। तो बोल रही थी कि इस पर तमाम बातें आगे, में बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं है। इसमें आगे एक जगह है, जब आप रोजाना नारा देते हैं, माननीय जी सरकार के लोग रोजाना नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, विकास और सबका विश्वास, अब प्रयास और जोड़ दिया उसमें, तो सबका विश्वास लेने की कोशिश होनी चाहिए। केवल नारे लगाने से कुछ नहीं हो सकता है, क्या विश्वास लेते हैं सबका? मैं अभी जब खड़गे साहब बोल रहे थे तो इधर से मंत्री लोग विरोध कर रहे थे, हमने तो बहुत दिनों पहले से देख रहा हूँ कभी मंत्री नहीं बोलते थे, लेकिन अब की देखा है कि अब हालांकि अभी भी जो सीजन मंत्री हैं वो नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। नकवी साहब बोल रहे थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर लगातार बीच में इंटरवीन कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुमत आपका है, जैसा चाहें वैसा निर्णय आप करेंगे, संसद में आपका बहुमत है, जैसा चाहें वैसा कानून बना सकते हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना, विरोध कर से करेगा, उसमें नाराजगी क्या बात, फैसला तो आपको करना है, आपको जो चाहें सो निर्णय करना है, वो होगा ही निर्णय। फिर विपक्ष को अपनी बात कहने या विरोध करने का ही तो हक है, केवल हो सकता है उससे आपका कुछ लाभ हो तो उसको नहीं बोलने दे रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इधर के लोग अगर नाराज हो जाएं तो आपका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन आप नाराज हो जाएंगे तो हम लोगों को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आप लोग गुस्सा मत किया करो, गुस्सा करने का अधिकार विपक्ष को ही होता है, सत्ता पक्ष को नहीं होता है। सत्ता पक्ष सुनो, भारी बनिए और सुनते रहिए, निर्णय जो लेना है आपको लेना है, तो इन्हें तो कहना है तो कहने दीजिए, सुनिए। तो ये सही है, इसमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स ने कोरोना काल में बहुत शानदार काम किया, इस पैरा से हम पूरी तरह सहमत हैं। आप लोग लगातार ये कहते, सरकार कहती है कि हमने रिकॉर्ड बनाया वैक्सीनेशन में। ये बताइए, देश की आबादी 126 करोड़ है, 30 करोड़ है, तो क्या इंग्लैंड जिसकी आबादी 15-20 करोड़ होगी वो 130 करोड़ को वैक्सीनेशन करा सकता है? वो 10 बार करा है तब हिंदुस्तान के बराबर आ पाएगा, तो रिकॉर्ड की बात आप क्यों कर रहे हैं? जब दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो स्वाभाविक है कि आप सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं। अभी प्रस्ताव करने वाली कह रही थी, हमारे उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोगों को टीके लगे, जब सबसे ज्यादा इसमें देश में, जब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, आबादी उसकी 26-27 करोड़ है, तो उसको तो वैक्सीनेशन ज्यादा लगेगा ही। लगातार आता है कि रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड तब बनाओ, इजराइल ने 1 साल पहले 100% वैक्सीनेशन कर लिया था, आपने अभी तक नहीं कर पाया। रिकॉर्ड ये होता है कि आपने कितने परसेंट लोगों को वैक्सीनेशन कराया। देश बड़ा है तो स्वाभाविक है आपकी संख्या ज्यादा होगी, उसमें कौन सा रिकॉर्ड बन गया? हर जगह रिकॉर्ड की बात करते हो, देश की जनता बिना पढ़ी लिखी भी ये बातें समझने लगी है, इसलिए मूर्ख मत समझिए उन्हें, वो जानते हैं ये सब।
अभी हम लोगों ने पूछा था हेल्थ सेक्रेटरी से और आईसीएमआर के डीजी से, भार्गव साहब से, कि क्या बूस्टर लगाना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं आईसीएमआर के, वो इसका जवाब देने। उन्होंने सीधे कहा कि बूस्टर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर ये बूस्टर क्यों लगाया जा रहा है? मालूम क्यों लगाया जा रहा है? ये जो कंपनियां हैं वैक्सीनेशन बनाने वाली, इनको इतना लाभ हुआ है इससे, चार पैसे की वैक्सीन के कितने कितने पैसे लेते हैं इनके, इनके केवल डेवलपमेंट में हो उसमें पैसा लगता है, इसलिए शुरू में इसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में कीमत वो कम होती है तो कम करते नहीं। सारे गवर्नमेंट के ट्रेजरी का पैसा सब खा गए ये वैक्सीनेशन के जो मालिक, ये भारत बायोटेक और पूना वाला, जाने आप देखिए अभी निकला था दुनिया के 10 सबसे बड़े उनका क्या नाम, पैसे वाले लोगों का, उसमें 7वें 8वें नंबर पर पहुंच गया पूना वाला, सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से पैसे से इतनी आमदनी हुई। बूस्टर की जब हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उनकी हेल्थ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल की उपस्थिति में हेल्थ कमेटी के सामने हमारे मेम्बरान के पूछने पर ये कहते हैं कि बूस्टर की कोई आवश्यकता नहीं, फिर बूस्टर क्यों लगाया जा रहा है? क्या इससे वैक्सीनेशन, हमें हमारे दोनों बार वैक्सीनेशन हो गया तो उसके बाद सेकेंड वेव में कोरोना हो गया, और अभी 4 दिन पहले फिर हो गया कोरोना, वैक्सीनेटेड हैं, डबली वैक्सीनेटेड, और ये बूस्टर लगे हुए लोग हैं उनके भी हो गया। कोई सब ये है कि जान को खतरा नहीं, लेकिन कोरोना होने से कोई पॉजिटिव, उनसे इन्फेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। अनावश्यक रूप से गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर और लोड डालने का काम कर दिया ये बूस्टर लगाने के लिए, कोई जरूरत नहीं लगा रहे हैं। ये जो योजना बहुत अच्छी है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन वगैरह, लेकिन प्रश्न ये है कि जब डॉक्टर ही नहीं, अस्पताल बने हुए हैं, वेलनेस सेंटर बन गए 80,000 से ज़्यादा, लेकिन अभी कोरोना काल में जब जगह नहीं थी कहीं, बेड नहीं मिल रही थी, और उत्तर प्रदेश में यहीं गाजियाबाद वगैरह आप टीवी पे देखा होगा, कोई ऐसा जिला नहीं था जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कागज पे डॉक्टर है लेकिन मौके पे नहीं आ रहा है ही नहीं कोई, जाते नहीं कोई, इतना मिसमैनेजमेंट है कोई देखने वाला नहीं है। इतनी आपस में लड़ाई आपके मंत्रिमंडल में है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, कोई देखने वाला नहीं है कि ये जो बने हुए हैं इनका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम केवल इस पर लिखते रहें कि इतने वेलनेस सेंटर बन गए, इलाज कहाँ मिला है? अभी 3 महीना पहले डेंगू आया, फिरोजाबाद में कोई नए किस्म का डेंगू आ गया, 2 महीने के अंदर 1500 आदमी मर गए। हमने यहाँ भार्गव साहब से कहा, उन्होंने एक टीम भेजी तो उन्होंने कहा कि इस नाम का है, थोड़ा सा हटके इलाज हुआ, लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था, आदमी मर गया, जैसे बिना ऑक्सीजन के आपने देखा कोरोना काल में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक कानून मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी मुख्यमंत्री को कि CMO टेलीफोन नहीं उठा रहा है, लोग बाहर मर रहे हैं, कोई पहुंच नहीं पा रहा है अस्पताल में, और CMO टेलीफोन नहीं रहा मिनिस्टर का, ये बदहाली रही, इतना मिसमैनेजमेंट रहा है। लगभग 15 लाख आदमी उत्तर प्रदेश में मरा और 23,000 दिखाया, उन लोगों को कैसे मिल सकता है कोई मुआवजा? गिन लीजिए गांव गांव जाके कितने लोग मरे थे, लेकिन कोई चीज नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मुआवजा दिखाया, तो उन्होंने कह दिया जहां मरे वो मालूम क्या हुआ, दिखाया क्या गया, इनको साहब पहले से बीमारी थी इससे मर गए, ये हार्ट अटैक से मर गए, मरे सब कोरोना से, इनके सांस की दिक्कत थी, कोरोना में तो सांस की दिक्कत थी लेकिन कोरोना नहीं दिखाया। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सैफ ही, हमारे गांव में जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल हेल्थ यूनिवर्सिटी, वहां पूछा तो उन्होंने कहा कि निर्देश हैं कि कोरोना से मत दिखाइए, कोरोना से मत दिखाइए, और तमाम बीमारियां होती हैं उससे, कई इसकी वजह से मरे, एडमिट है, कोरोना का इलाज चल रहा है, और स्थिति इतनी भयानक रही है, कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया। गंगा में आगरा से एक दिन
गंगा में तो खैर कौआ नोच गए, लैसे वो तो सब दुनिया ने देखी। उत्तर यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ये कहना पड़ा कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा तो नहीं कायम हो गया है, जिसने ये दिखाया चैनल में, गंगा में लाश तैरती हुई दिखाई, उस पर कहीं सुप्रीम कोर्ट उसका देशद्रोह का मुकदमा कायम तो नहीं हुआ। ये कमेंट सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज का था, जो निकट भविष्य में चीफ जस्टिस जी बने, उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे। तो मैं बता रहा था आपको कि हालत ये हो गई थी जिसका कहीं चिकन नहीं। माननीय रामगोपाल यादव जी, माननीय ऑनरेबल मेंबर, आपके 15 मिनट कंप्लीट हो गए। तो मैं तो बोलूंगा, और कौन बोला, कितने हो गए आपके? 15 मिनट थे, 15 मिनट कंप्लीट हो गए। एक आध मिनट और बोल दो। हमारा एक अध्यक्ष आगरा का था पार्टी, उसके बच्चे का टेलीफोन आया रोते हुए कि वो दवा नहीं मिल रही है, इंजेक्शन रेमडेसिविर होती क्या होती, उसको अगर मिल जाए तो बच जाएंगे। तो मैंने कैसे मिलेगी कि डीएम साहब के कहने से मिलता है। तो डीएम आगरा को मैंने टेलीफोन किया, डीएम आगरा ने कहा कि अभी एक उपलब्ध है, मैं उपलब्ध करा दे रहा हूँ, कल करा दूंगा। और तो एक तो मिल गया, लेकिन चाहिए दो थे उस वक्त, दो ही लगते हैं शुरू में उसको, रात ख़त्म हो गए। हमसे क्या, वो तो 45-50 साल का था, खत्म हो, ये दवाई नहीं कहीं मिली। तो ये है योजना अच्छी है प्रधानमंत्री, लेकिन न डॉक्टर उपलब्ध है, न दवा उपलब्ध है, तो मरीज तो मरी जाएगा भाई। उस लाभ उठा पाए उसका, जो आप कह रहे 5 लाख वाला, तभी उठा पाएगा जब दवा देने वाला कोई होगा, दवा होगी, डॉक्टर होगा। अब कौन, एम्स में कोई आ नहीं सकता, यहाँ वो लाभ नहीं मिल पाएगा। निजी अस्पताल इतने महंगे हैं कि कोई प्रश्न ही नहीं, कोई गरीब क्या, सामान्य व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति वहाँ इलाज नहीं करा सकता, हालत इतनी खराब है। कहीं इस बात की कोई बात नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूँगा और बस, और फिर ख़त्म कर दूँगा। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर को 14वें पॉइंट में कोट करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि मेरी सरकार की आस्था अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी है, हो समानता भी हो, सम्मान भी हो, समान अवसर भी हो। इसलिए आज सरकार की नीतियों में गांव, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित एवं जनजातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही। क्या व्यवहार में ऐसा है? क्या ये सच नहीं है कि इन्हीं वर्गों के खिलाफ, इन्हीं वर्गों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, उनका हक छीना जा रहा है, हक मारा जा रहा है? अभी 7-8 दिन पहले मैंने पढ़ा, एक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू था प्रोफेसर्स का, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, 31 पोस्ट में जो रिजर्व कैटेगरी में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए थी, उसमें था नो सुइटेबल कैंडिडेट फाउंड, और ऑल द पोस्ट वर ट्रांसफर टू द जनरल कैटेगरी। हर एक में ही कहा जा रहा है इनमें कोई सुइटेबल नहीं, और कह रहे आप सब कर रहे हैं, केवल लिखने से होता है। जातिवार जनगणना के लिए बिहार के मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल, सारे लीडर्स आए, अखिलेश ने चिट्ठी लिखी, बात कही, उसमें दिक्कत क्या है? जब जनगणना हो ही रही है, हो चुकी थी पहले, तो उसको देने में क्या दिक्कत है, करने में क्या दिक्कत है? कि नहीं हो सकती, कैबिनेट डिसीजन कर दिया। हमारी प्रस्ताव करने वाली कह रही थी इतने मंत्री बना दिए, 27 ओबीसी, 20 एससी एसटी, इन मंत्रियों को मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है। बताइए, बैकवर्ड और एससी एसटी के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो इनका कोई मुंह खोलने वाला है कि नहीं? एक आदमी नहीं बोलता है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से कौन सा लाभ हो रहा है इन कम्युनिटीज़ को? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये राष्ट्रपति का अभिभाषण सही स्थिति नहीं दर्शा रहा है। देश की जो खराब स्थिति है, और देश के कुछ राज्यों की, खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिस तरह के लोग शासन कर रहे हैं, जनता घुट रही है, रात भर जग के रहते हैं खेत को बचाने के लिए गाय और सांडों से, रात भर गांव-गांव में हालत इतनी खराब है, आधी से ज़्यादा फसल खा जाते हैं जनता, किसान जो पैदा करता भूखों मरने की स्थिति है, ये हालत है। इसलिए मर्यादा, संसदीय मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं समर्थन तो करूंगा धन्यवाद देने का,
लेकिन शुरू में ही मैंने कहा था कि मेरा मन नहीं करता है इस भाषण का समर्थन करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्री तिरुचि।